हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो पार्ट। एक ग्रुप डी का फोर्थ डीबी शेड्यूल जारी हो गया है, कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ है, और दूसरा पार्ट रेलवे की मेडिकल यानी रेलवे की हार हुई है। डायरेक्ट बात बोले तो रेलवे पहले कैंडिडेट को A1 मेडिकल फेल बता दिया था। कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया, उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस हुई, फाइनली उसको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जीत मिली और उसे पैनल में शामिल किया गया है। LP टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, जो पहले ग्रुप डी की बात करेंगे, फिर LP टेक्नीशियन की। छोटा वीडियो है तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी से, तो RRB नहीं RRC MAS मद्रास यानी चेन्नई वाले पे आएंगे, जो RRC मद्रास के नाम से यहाँ वेबसाइट है, जहाँ पे एक पहले आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 27/4 का, फिर आया 29 और 4/5 के लिए, यानी 29/4 और 5/4/5 के लिए 5 मई महीने तक का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर तीनों को कंबाइन करके एक लिस्ट दे दिया गया है। तो दोनों को देख लेंगे, अगर इसमें 3 कैंडिडेट हैं, इसमें आपको ज़्यादा कैंडिडेट है, 100+ कैंडिडेट है। यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट भी आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी लिंक एक्टिव हो गया है, दोनों का डिटेल है। तो चलिए पहले DB का ले लेते हैं बात। तो DB में थोड़ा पहले ले लेते हैं छोटा वाला, जिसमें 27 तारीख को बोला था, इसमें 3 कैंडिडेट का नाम थे, हालांकि एक कैंडिडेट उसमें भी शामिल है या नहीं है नहीं बता सकते। और तीनों कैंडिडेट के नाम लेने के बाद जो कटअप हुआ था, तो इसमें SC के 62.52 गया था और OBC के लिए 69.51, और ये PET पास कैंडिडेट हैं, इनका PET अलग से नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरा DB लिस्ट जो जारी हुआ दूसरे दिन, जो 12/4 के दिन जारी हुआ है, आज है आपका 14/4, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए है, कैटेगरी नंबर 14 के लिए मात्र है। तो कुछ लोग कहते हैं कैटेगरी नंबर 14 मेरा पोस्ट में था तभी नहीं मिला, हो सकता है कोई और कारण हो, OBC SC हो वगैरह, कंडीशन बहुत सारी होगा। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कॉल किया है उसके हिसाब से नीचे देखेंगे तो लिस्ट कैंडिडेट का है, और ये सारा कैंडिडेट नॉन PWD के ऊपर में आपको दिख रहे हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर डेट दिया हुआ है कि किस किस डेट का है। कैंडिडेट का नेम है, फादर नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये नीचे की तरफ आएंगे तो डिटेल के रूप में आ जाएगा। 27/4 को कितने लोगों को बुलाया है, तो 27/4 को यहाँ तक बुलाया है, लिस्ट में देख लीजिए 27/4 को 50 लोगों को बुलाया है। उसके बाद आगे 29/4 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा, 29/4 को कितने लोगों को बुलाया है तो यहाँ पे देखेंगे 29/4 को यहाँ तक लिया है लिस्ट इन्होंने, यानी 100 कैंडिडेट को यहाँ तक हुआ है। तो यानी 27 को 50 आपके 29/4 को, और बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट हैं कितने 47 कैंडिडेट, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई में होगी। इनके लिए अब कटअप यहाँ देखिएगा, UR के लिए 68.84 हो गया, SC के लिए 62.37 हो गया, ST के लिए 59.92 हो गया, और OBC के लिए इतना हो गया। कोई कैंडिडेट कर रहा था कि यहाँ पे 72 कटअप गया था, ये किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हो सकता है कि इसमें स्टैंड बाई का लिस्ट आपने नहीं देखा होगा, ये भी एक कारण है, क्योंकि रेलवे का जो डाटा है वो डाटा हमारे पास सारा नहीं है कि पहले क्या कटअप गया था, तो स्टैंड बाई वाले लिस्ट वाला का कटअप हो सकता है उसमें से ये उठाया हो, आपने जो देखा होगा वो मेन लिस्ट वाला कटअप हो सकता है। तो चलिए अब दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरे के लिए आएंगे दूसरे वेबसाइट पर। दूसरे वेबसाइट कौन सा, RRB भोपाल। RRB भोपाल में LP टेक्नीशियन के रिगार्डिंग 12 तारीख में एक स्पेशल पैनल आया है। अभी तक हम इंडेंट पैनल, रिप्लेसमेंट पैनल, प्रोविजनल पैनल सुनते थे, अभी स्पेशल पैनल आया है। असिस्टेंट लोको पायलट का एक ही कैंडिडेट का नाम है, और वो कैंडिडेट का नाम इसलिए यहाँ है कि इसने कोर्ट से आगे की, ऑनरेबल कोर्ट ने इनको डिसीजन दिया है कि आपकी जो रिजल्ट थी उसमें A1 मेडिकल फेल दिखाया जा रहा है, लेकिन आप फेल नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में हम पैनल को देख लेते हैं, जजमेंट के देखने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट एक AC से बिलोंग करते हैं, इन्होंने देखिए यहाँ पे अपना कम्युनिटी वगैरह सारा दिया हुआ है, कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है, कम्युनिटी दिया हुआ है, मेरिट भी दिया हुआ है, और नंबर भी दिया हुआ है आपका 70% CBT2 का और 30% F2 टेस्ट का, दोनों को मिला के इनका इतना नंबर था। लेकिन ऊपर में देखिए सारी कहानी ये लिखी हुई है कि कैंडिडेट को पहले A1 मेडिकल फिट के रिगार्डिंग कॉल किया गया वगैरह वगैरह, यानी अनफिट थे, लेकिन अब कह रहे फिट हैं। कब, जब एक मेडिकल बोर्ड बनी एम्स में, और एक किसके इंस्ट्रक्शन में, तो ऑनरेबल
कैट जबलपुर के रूप में। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये कैंडिडेट अगर कह रहा है कि मैं A1 मेडिकल फिट हूँ तो फिर आप कैसे अनफिट कह सकते हैं। तो जनरली होता क्या है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब फर्स्ट डॉक्टर ने अनफिट लिख दिया तो उसके बाद डिविजनल मेडिकल वाला जो होता है आपको फर्स्ट क्वायरी के लिए, वहाँ भी अनफिट लिख दिया होगा। उसके बाद इन्होंने और आगे कंप्लेन किया होगा तो CPMD जो फाइनल होता है लास्ट वाला, जो ₹1000 आपको फी भी देना पड़ता है, उसके साथ इन्होंने किया होगा तभी अनफिट कर दिया। तो कैंडिडेट फिर क्या है, कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि मैं तो फिट हूँ और फिट देना पड़ा, और वो भी फिट किसने दिया है, एम्स न्यू दिल्ली आप जानते ही हैं उसके कंडीशन में। तो इस कैंडिडेट का क्या हो सकता है, मैं बता दूँ आई का ही होगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आई में भी एक चीज़ और इशू होती है, आई में कोई सर्जरी वगैरह हो उस टाइप का है ये प्रॉब्लम होगा। विजन का तो नहीं होगा जो इतना बड़ा चला गया, क्योंकि ये इशू जनरली होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला होगा आई में। कोई रेलवे कह रहा होगा कि आपने सर्जरी कराया है वगैरह वगैरह कराया है, और कैंडिडेट ने नहीं कराया होगा तो चैलेंज करेगा ही, और उस कंडीशन में कैंडिडेट को पैनल में जारी हुआ है नाम। तो LP टेक्नीशियन के अलावा ये देखिएगा A2 मेडिकल जिनका है, ग्रुप डी में तो कम ही होता है A2 का, कुछ पोस्टों में है ट्रैफिक अप्रेंटिस वगैरह का, लेकिन NTPC में A2 आपका स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड का है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेडिकल में बहुत क्रिटिकल मेडिकल इशू हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, एक एक पोस्ट के लिए कोर्ट तक जाता है डिसीजन, ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन आता है तब पैनल जारी होता है। यानी कैंडिडेट का 2019 में इसका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था, 2019 से अभी तक इनकी प्रोसेस में ही प्रोसेस हो रहा है। तो ये था डिटेल, थैंक यू, धन्यवाद।